थेट जाणार आहोत मालेगावला, जिथे एनसीपीचा महत्त्वाचा मेळावा सुरू आहे. शरद पवारांचं भाषण ऐकूया. समस्या हमारे सामने खड़ी की तो उसको मदद करने का काम हम लोगों ने किया. मुझे याद है 7 साल पहले भारत सरकार ने एक टेक्सटाइल पार्क की स्कीम निकाली. तब मुफ्ती साहब आप एमएलए नहीं थे. आपके पहले 5 साल पहले जो एमएलए साहब थे उनके जमाने की बात. मैंने कई साथियों से बात की कि भाई भारत सरकार टेक्सटाइल पार्क निकलना चाहते हैं. टेक्सटाइल पार्क निकलने वाले गांव को 40 करोड़ रुपए की राशि वो देना चाहते हैं और जितने पुराने पावर रूम है वो मॉडर्न करने के लिए एक तरह की मदद करना चाहते हैं. यहाँ कुछ न कुछ करना हो तो इनका प्रपोजल हमारे पास भेजो. प्रपोजल आ गया, इतन किरण जी का आ गया. वो प्रपोजल हमने सब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे उनके पास जाकर उसको मंजूरी दे दी. दूसरा प्रपोजल आ गया माजल गांव से 20 जिले से, उसे भी हमने मंजूरी दे दी. तीसरा प्रपोजल आ गया मराठवाड़ा की हिंगोली डिस्ट्रिक्ट को, इसे भी हमने मंजूरी दे दी. चौथा प्रपोजल आ गया बारामती का, मेरे ही गांव का, उसे भी मंजूरी दे दी. और ये सब देखने के बाद एक दिन मैंने यहाँ के साथियों को कुछ बुलाया और ये कहा कि जहाँ पावर लूम नहीं वहां टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, और जहां देश के सबसे ज्यादा पावर लूम का सेंटर है उस मालेगांव में इसका कोई फायदा नहीं हो रहा. कोई किसी ने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा नहीं. मुझे खुशी है इस टेक्सटाइल पार्क स्कीम के बारे में पहली डिमांड आज हमारे सामने किसी ने की होगी तो मुफ्ती साहब ने की. ये चुनाव होने दीजिए. आज भारत सरकार ने उसकी बंद की मगर मालेगांव के लिए स्पेशल केस करने की तैयारी भारत सरकार ने करनी चाहिए. ये बात हम वहाँ के टेक्सटाइल मिनिस्टर हो या और कोई हो उनके नजर में लाएंगे और इसमें आपको मदद करने के लिए जो कुछ लगेगा और उसका पूरी सहयोग हम लोगों से आपको होगा. सिर्फ आपको एक बार मेरे साथ दिल्ली आना होगा. हम इससे रास्ता निकालना चाहते हैं. यह करने की आवश्यकता है. आज कई सालों से एक बात होती है कि मालेगांव को जिला बनाने की बात. कभी अखबार में हम पढ़ते हैं कि जिला बनाने के बारे में यहां डिमांड हो गई. इस राज्य में कई बड़े जिले में एक एक दो दो जिले बन गए. मालेगांव मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रचार सभा सुरू आहे. पवारांचं महत्त्वाचं भाषण आहे. पण आता एक ब्रेक घेणार आहोत आणि या कार्यक्रमात पुन्हा भेटणार आहोत. पहा फक्त IBN लोकमत.